हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल और आज के इस नए व्लॉग नए वीडियो में। मॉर्निंग का टाइम है, मैं शावर लेकर के आई हूँ, रेडी हो गई हूँ एंड आज मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाने का मन कर रहा था। सच बताओ तो मन क्या कर रहा था, बाल खोलने की कंडीशन में तो थे ही नहीं, जो भयंकर वाली सी गर्मी हो रही है एंड मुझे व्लॉग शेयर करना था, वीडियो बनानी थी, तो आई थॉट कि बर्न बनाने से अच्छा ऐसी हेयर स्टाइल ट्राई किया, बहुत अच्छी तो नहीं बनी बट हाँ गर्मी से बालों में इतना ज़्यादा स्वेट होता जा रहा है ना यार कि कुछ भी करना सा मुश्किल सा ही हो जाता है। तो बस हेयर स्टाइल बना करके ऊपर हेयर पिन लगाए फटाफट से बालों में ना पीछे की साइड में चोटी बना ले रही हूँ। और इसके बाद आज मैं काम क्या करने वाली हूँ आप लोगों को अभी बताती हूँ। आज मैं कवर सेट करूँगी अपनी प्रिंसेस की, दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, शेयर करूँगी। आपका भी अगर छोटा बेबी है तो आप डेफिनेटली उसके लिए कर सकते हैं ये चीज़। तो बस यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल रेडी हो गई और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से, सीधे चलिए काम बातें करते हैं। और ये मुझे हो गई है, ओ माय गॉड, ये तो बताना भूल ही गई, ये मुझे आम की चोपी हो गई, इतना ज़्यादा मैं आम खा रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है, मेरे पति भी इतना ज़्यादा आम ले आते रहे हैं ना कि सारा के सारा मैं ही ख़त्म कर रही हूँ एंड चोपी हो गई मुझे। तो देखो कब तक मेरी ठीक होती है। एज़ यू रिक्वेस्टेड, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैंने आज हैंकी टकिंग किया है जिगजैग स्टाइल में, होप सो कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। और हाँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जल्दी से 15,000 सब्सक्राइबर मेरे करवा दीजिए आप लोग। तो आज ना मुझे, जैसे मैंने बताया है कि आज मुझे करनी है क्लीनिंग, और क्लीनिंग वो भी किसकी करनी है, आज मैं कवर सेट करने वाली हूँ हमारे बेबी का। मतलब जो कवर यहाँ हमारी हुआ करती थी, कपड़े तो हमारे अभी भी होंगे इसमें नीचे, बट ऊपर ना मैं बेबी के सारे कपड़े अरेंज करने वाली हूँ। तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैं कैसे एंड क्या सब कुछ कर रही हूँ। और भी बहुत सारे काम होंगे जो कि आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। और हाँ यार, आप लोग प्लीज़ हर वीडियोस को उतना ही प्यार दिया करिए और चैनल पर जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा कबर्ड की ओर और दिखाते हैं कि क्या और कैसे करने वाले हैं। सो ये मेरा रूम है, मतलब आप लोगों को पता ही है, जो कि पीछे अभी बहुत ज़्यादा मेस हो चुका है, पहले मैं इसी को समेट लेती हूँ। ये है हमारे बेबी का ब्लैंकेट, जो कि इन्हें रात में ओढ़ना होता है, एसी जब बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा करता है रूम को, फिर बिना ब्लैंकेट के काम नहीं चलता है। इसका ब्लैंकेट हम लोगों का कंफर्टर अच्छा खासा फिर हमें ना लेना पड़ जाता है ओढ़ने के लिए। एंड ये है मेरे कपड़े जो मैंने अभी उतारे हैं, अभी ना मैं पहनूंगी। ये इसकी रुमाल है और अभी ये है उस वाले रूम में, ऑलमोस्ट मैं उस रूम को इसका रूम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बस कबर्ड इसकी यहाँ पर होगी क्योंकि हाँ इसका स्पंजिंग हो गया रात में, मतलब कपड़े वगैरह इसके यहीं इसी रूम में ही चेंज करते हैं ना, तो फिर इस वजह से कबर्ड तो इसकी यहीं पर ही होगी, बाकी सब कुछ हम उसमें अरेंज करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी कि क्या क्या हो पाता है। सो लेट्स सी कि क्या क्या मैं कर पाती हूँ। दिखाती हूँ हाँ, तो ये जो कबर्ड है ना जिसमें मॉम टू बी एंड डैड टू बी अभी तक है, पता नहीं कब तक मॉम टू बी डैड टू बी रहेंगे, फिलहाल इसको निकाल करके यहाँ पे हम नेवी सेट करने वाले हैं, नेवी लिखेंगे एंड इसको तो बाद में निकालेंगे, पहले कबर्ड खोल करके सारे कपड़ों को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करती जाऊँगी एंड आप लोगों के साथ शेयर भी करती जाऊँगी एंड उससे भी पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ यार, ये जगह ही ऐसी है ना कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कितनी भी लाइट मैं यूज़ कर लूँ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, साइड में कर्टेन है, कर्टेन एंड वो कांच वाले दरवाजे हैं इस वजह से। तो सबसे पहले मैं उसके कपड़े निकाली, कपड़े निकाल करके मैंने सारे के सारे बेड पर रख दिए क्योंकि 3-4 दिन पहले ही हल्का फुल्का सा ना सेट कर दिया था कबर्ड, मतलब रख दिए थे मैंने बट अरेंज नहीं किए थे। और यहाँ मैंने छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से ना भी हैंगर्स मंगवाए हैं, जो बच्चों वाले हैंगर्स होते हैं ना वो मंगवाए हैं, तो उसमें मतलब कपड़े हैंग करना इतना ज़्यादा इजी हो गया ना मेरा इसके लिए कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत ही अच्छे से एक साइड में इसकी फ्रॉक्स लगा दी, एक साइड में जो इसके रैम्पर्स वाले कपड़े होते हैं ना वो लगा दिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से ये हैंगर्स थे ना कि मैं क्या बताऊँ। और मैं मंगवाने वाली हूँ क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैंगर्स कम पड़ गए, तो मुझे एक बार ट्राई करना था कि अच्छा है कि नहीं, बट बहुत अच्छे हैंगर्स हैं ये, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया। अगर आप अपने बेबीज़ के लिए लेना चाहें तो डेफिनेटली मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। पिंक कलर में ही मैंने मंगवाया, ज़्यादा मतलब दो का पैक था तो पिंक एंड ग्रीन मुझे मिल गया,
बट कोई बात नहीं, पिंक तो आ गया ना ऑलरेडी, मेरे पास पिंक हैंगर्स ही थे, तो ये छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी फ्रॉक्स हैं यार, बहुत अच्छा लग, कहते हैं मुझे इतना ज़्यादा शौक था एंड भगवान ने उस शौक को पूरा करने के लिए मुझे टाइम भी दिया, समय भी दिया कि मैं इन सारे शौक्स को पूरे कर पाऊँ, मैं मेरी बेटी के लिए सब कुछ कर पाऊँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ट्राईपॉड को अरेंज करने की कोशिश की, सेट करने की, तो थोड़ा सा कबर्ड नज़र आ रही है, तो इस तरीके से एकदम सटा सटा के रख रही हूँ, फैला नहीं रही हूँ ताकि स्पेस दिखे। कभी कभी क्या होता है ना कि बाहर से कपड़े निकाल करके लाते हैं, अगर ड्रॉर में नहीं आ रहे तो कबर्ड में रखने पड़ते हैं, इस वजह से ना मुझे जगह चाहिए होती है। तो कुछ हैंगर्स अभी इसके कपड़े की शॉपिंग जब हम लोगों ने की थी तो उसमें भी मिल गए थे मिमी के हैंगर्स, तो वो भी यूज़ हो जा रहे हैं अच्छे खासे, वो भी यूज़ हो जा रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले थे क्योंकि कुछ पैक्स पैक्स थे ना, तो उसमें हैंगर्स कम थे, एंड जो मिले थे एक ही दो मिले थे तीन, तो वो यूज़ कर ले रहे हैं हम ये इसके रैम्पर्स। यहाँ पे क्या है ना, कुछ बड़े हैं ऑफकोर्स, कपड़े बहुत बड़े बड़े भी हैं यार, कितना भी साइज़ का लाती हूँ इसको बड़े ही हो जाते हैं, तो पीछे की साइड थोड़े से बड़े रख दिए, आगे की साइड थोड़े से छोटे रख दिए। ये क्यूट सी फ्रॉक एंड ये हैंगर भी मिमी का है, फ्रॉक नहीं मिमी की बट ये हैंगर मिमी का है, तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे से हैंगर्स हैं, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से हैंगर मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कपड़े नीचे रख रही हूँ, तो ये इसके सॉडल्स हैं, तीन का पैक हमने इसके होने से पहले ही मंगवाया था, क्योंकि सॉडल था नहीं हमारे पास, वंश का सॉडल नहीं आ पाया था, तो इस वजह से हमने सॉडल पहले ही मंगवा लिया था, कपड़े नहीं मंगवाए थे स्पेशली, एंड उसको फोल्ड करके पीछे रख दिया। एंड अब जितने भी इसके टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स फोल्ड कर रही हूँ मैं, और टी शर्ट्स के नीचे पैंट्स, ये देखो राम पर अगेन बाबा सूट, तो जो टी शर्ट्स के नीचे पजामे होते हैं ना, वो अभी इसको नहीं पहना रहे हैं, मतलब अभी तो पहनाना भी नहीं है, अभी पहनाऊंगी भी नहीं, मम्मी लोग भी मना करती है, हमें भी यार डर लगता है कि थोड़ी सी भी ना उसकी इलास्टिक टाइट नहीं होने पाए। ये देखो क्यूट क्यूट सी, ये वही जो फ्रॉक्स के नीचे अंडरवियर मिल जाती हैं, पजामे मिलते हैं, वो सारे हैं, तो सॉडल के ऊपर मैंने सारे पजामे रख दिए, आप देख सकते हैं, बगल में मैंने इसके रोम्पर्स रख दिए, टी शर्ट्स रख दिए, पूरी की पूरी सेट कर दी है, पूरी बोली या फिर ऑलमोस्ट बस सेट कर दिया है, पसीना इतना हो रहा है, लुक एट माय फेस। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे क्या अरेंज किया है। सो ये कबर्ड है, यहाँ नीचे वाला तो भी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्यूट कुछ क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से ना हैंगर्स मंगवाए थे, तो जितने भी इसके रैम्पर्स थे ना, वो सारे इधर अभी जो धुलने में पड़े हैं उन्हें छोड़ करके वो सारे यहाँ पे रख दिए हैं, जो पहने के जो बड़े हैं ना उन्हें इस तरीके से, एक बैग है इसका जो मैंने डिलीवरी के टाइम मंगवाया था उसमें बड़े कपड़े रख दिए हैं मैंने, बट जिसको अभी आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक साइड में सारी फ्रॉक्स है, हालांकि ये सब फ्रॉक्स वगैरह भी अभी ये बिल्कुल भी नहीं पहनेगी, सब चुभती हैं यार ऐसे फंक्शन पार्टी वेयर फ्रॉक्स, बट फिर भी अच्छा लगता है रखना, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, साइज़ की हैं सब, हाथ पे लगा दे रहे हैं अभी, चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पे इस साइड में इसकी सारी फ्रॉक्स हैं अभी जो इसको फिट आती हैं, एंड ये यहाँ पे ना इसकी रुमाल रखती हूँ मैं, क्योंकि जब भी इसको फीट कराती हूँ तो फीट कराने के बाद इसके लिप्स एंड फेस को पोंछती हूँ, तो तीन से चार रुमाल यहाँ पे हमेशा रहती हैं, धुलती रहती हूँ, एंड दो रुमाल मैं एक दिन में यूज़ करती हूँ। यहाँ पे एक कॉर्नर में, यहाँ नीचे मैंने सॉडल रख दिए हैं, दो सॉडल यहाँ पे है, एक सॉडल इसके ड्रॉर में रहता है। यहाँ पे जो टी शर्ट्स के ऊपर पैंट्स होते हैं जो कि अभी ये पहनती नहीं है, बिल्कुल भी पैंट नहीं पहनाते हैं, ये फ्रॉक जो कि अभी पहनती नहीं है। यहाँ पे अगेन इसके कुछ रोम्पर्स हैं, स्पैगेटी है, ये दो स्पैगेटी, एंड इसके बाद यहाँ पे अगेन इसके कुछ हाफ वाले रैम्पर्स हैं जो आप लोगों ने कई सारे वीडियोस में देखे होंगे। ये टी शर्ट्स हैं जो अगेन नहीं पहनती है अभी इसको, फिर भी रखे हैं। ये बिब है, फीडिंग के टाइम पर कभी कभी यूज़ कर लेती, एक्स्ट्रा टॉवल है इसकी, कहीं आने जाने पर यूज़ कर लेते हैं, या फिर अगर एक गिली विली है तो फिर। ये कुछ ओढ़ने वाले जो मम्मी लोगों ने बनाए थे वो यहाँ पे रखे हुए, एक ब्लैंकेट यहाँ पे है, तीन ब्लैंकेट धुलने में पड़ी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी वाटर बॉटल जो कि डेली यूज़ नहीं होती, कहीं आने जाने पर यूज़ होती है। एक मैंने ये ड्रॉर, ये बॉक्स मंगवाया था जिसमें कि इसकी वो चीज़ें हैं जो हमें डेली यूज़ नहीं करनी होती हैं, जैसे यहाँ पे इसका ग्रूमिंग किट है, नेल का ट्रिमर है, सीज़र है, एंड मैं वैसे सीज़र से इसके नेल कट करती हूँ, ये है एंड नेल कटर है, बट मैं यूज़ करती हूँ सीज़र, मैं नेल कटर से मुझे डर लगता है, सो सीज़र यूज़ करती हूँ। डोलो ड्रॉप्स कभी फीवर वैक्सीन के बाद डॉक्टर दे के रखते हैं कि अगर आए तो लगा देना, बट आता नहीं है टचवुड। ये इसकी विटामिन डी, अरे एक ये भी है, इसी कबर्ड में ये भी है, ओह माय गॉड, आप भी हो इस कबर्ड में क्या, ओली पॉपली, इनके पापा इसको लेकर के आ गए हैं।
सो ये विटामिन डी की है जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे रखी हुई है। ये इसकी गैस वाली दवा भी डॉक्टर ने दे रखी है, कभी कभी इसको गैस होती है, कभी कभी क्या आजकल इसे बहुत हो रही, तो हम दिन में एक बार ही दे देते हैं इसको भी। एंड बहुत कन्वीनियंट है ये जगह, ये बॉक्स मेरे लिए। सो यहाँ पे ये नज़ल स्प्रे है कभी नोज़ वगैरह ब्लॉक हो, ये रैशेस के लिए हैं, कभी किसी जगह पे रैशेस हो जाए तो लगा सकते हैं हम, लाइक इन्फेक्शन वाला रैशेस, वो डाइपर वाला नहीं। इसके लिए यहाँ पे मेरा एक हैंडबैग रहता है, ये बॉक्स है इसका, अगेन मैं ग्रूमिंग किट बोल सकती हूँ, जिसमें कि इसकी कोम, बॉडी लोशन जो नहाने के बाद यूज़ होता है, काजल, पफ, ये है एक, ये बॉक्स है जिसमें कि इसके डाइपर्स होते हैं। सो एंड ये ब्लैक एंड वाइट से कुछ कार्ड्स हमने मंगवाए थे जो कि अभी वेस्ट है मंगवाना इसके लिए। एंड नीचे हमारे कपड़े होते हैं, बट हाँ हमारे कपड़े होते हैं जो कि अभी अरेंज बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ कहाँ इसके फैले हुए हैं। एंड ये इसका बैग है जिसमें इसके वो सारे बड़े कपड़े रखे हुए हैं जो इसको बहुत बड़े हैं, उसके नीचे इसकी बेडिंग है, स्लीपिंग बैग है, एक और कैरी बैग है हाथ में लेने वाला, मास्क, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर ये है ये डब्बा, ये पैकेट है जिसमें इसके रैटल्स हैं जो कि अभी इसको सारे के सारे खेलने के लिए नहीं निकाले, कुछ खेलती ही नहीं है अभी। सो ये रहा सारा कुछ अरेंजमेंट जैसे मैं करती हूँ जब बहुत शौक है। यहाँ पे अगेन मेरा एक हैंडबैग टंगा हुआ है देर, और अभी वो मैडम कर रही है अपनी दादी से वीडियो कॉल, अभी सो करके उठी हैं एंड वो कर रही हैं वीडियो कॉल। सो वीडियो कॉल कर लेंगी, अभी 10 बज रहे हैं, फिर मैं करूंगी उसकी मालिश, और मालिश करने के बाद फिर टाइम होगा उनके स्नान का, मतलब 11 बजे के आसपास हम नहलाते हैं उसे, 11 बजे के आसपास क्या बोले तो हम 11 बजे ही नहलाते हैं उसे। अब बस हमें एक काम करना है कि यहाँ पे मॉम टू बी डैड टू बी हो चुके, अब नहीं हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ से हमें हटा करके निर्विड लिखना है। तो चलिए मैंने तो ये कबर्ड अरेंज कर दिया, एंड आई होप सो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हुआ होगा थोड़ा बहुत सा, अगर आपका भी ये छोटा न्यू बॉर्न सा बेबी है तो। एंड ये साइड में हम बेड के साइड में ड्रॉर रखते हैं जिसमें कि इसकी नैपीज हो गए, बिछाने वाले वाइप्स हो गई, कुछ डाइपर्स और ये चीज़ें हम यहाँ पे रख लेते हैं। बेड के ऊपर होती है वहाँ सिर्फ दो चीज़ें, दवाई होती है किसके, विटामिन डी की, एंड डाइपर रैशेस होता है, रैश क्रीम होती है वो, इसलिए अक्सर मम्मी मना करती हैं ऊपर दवा रखने के लिए बेड के, बट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रखना पड़ता है कि नहीं रखते हैं तो भूल जाएंगे, यार अभी इतनी आदत नहीं है तो भूल जाते हैं। रैश क्रीम इसलिए रखते हैं वहाँ पे कि कभी वहाँ पे डाइपर चेंज कर, कभी इसका डाइपर यहाँ पर चेंज कर, ये इसका बेड हमेशा लगा होता है। अब ये उस वाले रूम में है, वो रूम भी किसी दिन अच्छे से अरेंज करके आपको दिखाएंगे। तो इसमें ये बिछाने वाला हम डाल देते हैं, अभी नहा करके आएगी जब डाइपर पहनी होती है, फिर लेटेगी। यहाँ पे इसकी तकिया एंड ब्लैंकेट एक रखा हुआ है, दिन में पतला ब्लैंकेट होता है क्योंकि एसी चलता हो तो दिन में भी है, बट पतले ब्लैंकेट से काम चल जाता है, रात में मोटा ब्लैंकेट यूज़ करना पड़ता है हमें, जो कि ये रहा। रात में एसी थोड़ा एक्चुअली पूरी रात चलता है तो इस वजह से ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है हमें भी, एंड उसे दोनों को ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, एंड बेड हमने इस तरीके से कर लिया है, वो कॉर्नर हमें मिल गया, ये कॉर्नर मिल गया। अब जब थोड़ी सी बड़ी होगी, लटना पलटना शुरू करेगी, फिर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। सो आई होप सो कि पसंद आई होगी आपको वीडियो, एंड पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।